हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सर्कल्स। शायद एक या दो लेक्चर में आपका सर्कल्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारा पोर्शन ओमिट था तो इट हैज बिकम वेरी वेरी इजी। थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो थे वो थोड़ा सा मिस हो गए हैं और रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है, ओमिट नहीं होते हैं। नाउ आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रॉब्लम सेट। ओके, प्रॉब्लम सेट आपने गलती से प्रैक्टिस सेट लिख दिया मैंने, प्रॉब्लम सेट। ओके, प्रॉब्लम सेट नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज पेज नंबर 86 पे है आपका। कुछ इस तरीके का डायग्राम है इन द फिगर 3.19। सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी। लाइन पी क्यू इज ए टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट टी। ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू एंड बी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। प्रूव दैट सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू। हमको प्रूव करने का है सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू, ठीक है। नाउ इस सम को मैंने बहुत सारे तरीके ढूंढने की कोशिश किया कोई दूसरा सॉल्व करने के लिए, पर मेरे को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी वो यूज की गई है जो आपको आपको सिमिलैरिटी प्रॉब्लम में ओमिट है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई है जो आपके पहले चैप्टर सिमिलैरिटी में एक प्रॉपर्टी है जिसको रिड्यूस किया गया था, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय 3 पैरेलल लाइंस। वो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय 3 पैरेलल लाइंस से ही ये प्रूव हो सकता है और दूसरा कोई मेथड यहाँ पे नजर नहीं आया। ये कॉर्ड नहीं है टैंजेंट, अगर ये कॉर्ड होता तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी लगा के कर सकता था, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता था, पर यहाँ पे ये दो ट्राइंगल किसी भी हालत में कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव टू यूज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय 3 पैरेलल लाइंस यहाँ पे, क्लियर है। तो हम इसको अभी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। नाउ दिस इज द डायग्राम गिवन टू यू इन फ्रंट ऑफ यू, आपको वो कंस्ट्रक्शन करने का है सारा। तो यहाँ पे आपको सीटी बना के नहीं दिया है ना, हाँ आपको सीटी भी बनाना है, आपको सीटी भी बनाना है और एक टेम्पररी ये बना भी दो या नोशनली भी बता दोगे, आइडिया से भी बता दोगे तो चलेगा, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एपी, यहाँ पर प्रूफ चालू करते, यहाँ से आप प्रूफ चालू कर रहे हो, मैंने टाइटल दे दिया प्रूफ, सॉरी मैंने यहाँ से टाइटल दे दिया। नाउ वी हैव एपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, बी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये दोनों क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि इवन है, ठीक है। एपी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बी क्यू परपेंडिकुलर दिया हुआ है, फाइन। अब सीटी, आपका सीटी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन या टेंजेंट लिख दो, इधर लाइन लिख दो, लाइन पी क्यू। सीटी भी परपेंडिकुलर लाइन है पी क्यू से, क्यों है, क्योंकि सीटी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो आपका यहां पे आ जाएगा टेंजेंट। यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट थ्योरम, क्लियर है। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप या तो ये दोनों को पैरेलल बता सकते हो, फिर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी लगा सकते हो, या डायरेक्ट आप डेफिनेशन दे सकते हो। देयरफॉर आप सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट सीटी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू,
ठीक है, सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट फाइन ओके। रीजन देना है आपको तो आप दे दो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉन मतलब आपको देना पड़ेगा परपेंडिकुलर ड्रॉन टू थ्री लाइंस आर परपेंडिकुलर ड्रॉन टू थ्री लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर यहाँ पे आप इसको वन दे दो, या आप इसको टू दे दो, या आपको इसको थ्री दे दो, यहाँ पे आप लिख दो फ्रॉम वन टू एंड थ्री। तो अब क्या हो गया आपका ए पी सी टी और बी क्यू आपका आपका पैरेलल हो गया, ठीक है। देयरफॉर अब ये तीन लाइन पैरेलल हो गई। आपको एक रिफ्रेश कर दूं, वो मेरे लेक्चर में था तो आप लोग ने देखा भी होगा, अगर ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तीन लाइन है, तीनों लाइन पैरेलल है और आपने दो ट्रांसवर्सल बनाया, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, आपने दो ट्रांसवर्सल बनाया और ये लाइंस पैरेलल है, तो आपका आता है ए बी अपॉन बी क्यू, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर आता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय थ्री पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय थ्री पैरेलल लाइंस, क्लियर है। तो यहां पे आप देख लो कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और सॉरी ये तीन पैरेलल लाइन है, एक दो तीन, और ये दो ट्रांसवर्सल है, एक AB डायमीटर और एक PQ टैंजेंट, ये ट्रांसवर्सल है। फाइन, नाउ AB, देयरफॉर AB, सॉरी AC अपॉन CB, AC अपॉन CB इज इक्वल टू PT अपॉन PQ, AC upon CB is equal to PT upon PQ। यहाँ पे property of intercept by three parallel lines, property of intercept by three parallel lines, okay? But AB is equal to CB, AC is equal to CB, why AC is equal to CB, radii of same circle है, radii of same circle है, clear है, AC is equal to CB, therefore AC upon CB is equal to 1 होता है, ये आप 4 दे दो, ये आप 5 दे दो, therefore from 4 and 5 PT upon TQ is equal to 1 होता है, therefore PT is equal to TQ हो जाता है, PT is equal to TQ हो जाता है, fine, okay, therefore segment PT is common onto segment TQ, segment PT is common onto segment TQ, ये आपका congruent हो गया, ठीक है। Now it is enough, ये तो आपका congruent है, अब आपका दोनों triangle आपका ऐसे ऐसे congruent हो जाता है और आप बता सकते हो कि CP is equal to CQ, ठीक है। But उसको आप congruent proof करने जाओगे फिर वो lengthy sum हो जाएगा, बहुत सारी property शॉर्टकट की प्रॉपर्टी रहती है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं, शायद आगे के समय भी कहीं पे काम आएगा।
ये आपका सेगमेंट है और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। तो एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट इट बाइसेक्ट्स। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट इट बाइसेक्ट्स, और उसका शॉर्टकट नाम था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। उसका शॉर्टकट नाम था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया, देयरफॉर सीटी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, देयरफॉर सीटी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट पी क्यू। आप लाइन नहीं लिख सकते, लाइन को बाइसेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप सेगमेंट पी क्यू लिखेंगे, ओके। देयरफॉर सीटी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट पी क्यू, ओके। देयरफॉर पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम points P and Q, इसका रीजन आएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट C इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड Q, देयरफॉर CP इज इक्वल टू, देयरफॉर आपको क्या प्रूव करना था, CP इज इक्वल टू CQ, therefore segment CP is congruent to segment CQ। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। बता दोगे जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट थ्री पैरेलल, एक बार आप थोड़ा सा उसको देख लेना कहाँ पे ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको सिमिलैरिटी सम में से रिड्यूस की गई है, उसके उसके जो सम्स है वो भी नहीं लिए गए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वही लगती है प्रूफ करने के लिए, शायद आगे मालूम पड़ेगा टीचर्स लोग अगर कोई बोर्ड को बताएंगे तो मे बी दिस सम माइट बी आल्सो रिड्यूस्ड, फाइन। सो वी माइट प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सम। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर ए बी एंड सी ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सच दैट ईच सर्कल टचेस द अदर टू सर्कल्स। तो हाउ टू डू दैट, सिंपल है। आप एक 3+3 दो रेडियस ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो आप एक 6 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो। आप एक 6 सेंटीमीटर ले लो बीसी, 6 सेंटीमीटर। देन एक राउंडर पे आर्क ले लो 6 सेंटीमीटर का, ड्रॉ एन आर्क। राउंडर पे आर्क ले लो वही 6 सेंटीमीटर का, ड्रॉ एन आर्क। आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा जिसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर रहेगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ ऑन द राउंडर यू टेक मेजरमेंट एज 3 सेंटीमीटर, पुट अ पॉइंट हियर, राउंडर का पॉइंट यहां पे रखो। आपने 3 सेंटीमीटर रख लिया है, आपका एक सर्कल यहां पे बन जाएगा। आप यहाँ पे राउंडर रखो, राउंडर का मेजरमेंट मत चेंज करो, आपका एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। आप राउंडर यहाँ पे रखो, आपका एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह आप 3 सर्कल बना देंगे। यू विल ड्रॉ 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस, हर एक सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर ये रहेगा, 3 सेंटीमीटर ये रहेगा, 3 सेंटीमीटर ये रहेगा, 3 सेंटीमीटर ये रहेगा, 3 सेंटीमीटर ये रहेगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, क्वाइट ईजी, एक्सपेरिमेंट इट at home, draw it. Next question is question number 19. Okay, question number 19, you have figure 3.97, circle with center C and D. एक circle है, छोटा circle है जिसका center C है, बड़ा circle है जिसका center D है, okay? और ये D जो है ये छोटे circle के edge पे है, diagram समझो। टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट ई, यहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं एट पॉइंट ई। डी लाइज ऑन द इनर सर्कल,
कॉर्ड ई बी ऑफ द आउटर सर्कल, ये एक कॉर्ड बनाया हमने ई बी, ये कॉर्ड बनाया हमने ई बी, इंटरसेक्ट द इनर सर्कल एट पॉइंट ए, प्रूव दैट सेगमेंट ई ए, प्रूव दैट सेगमेंट ई ए, ये प्रूफ करने का हमको प्रूफ, प्रूफ दैट सेगमेंट ई ए इज, सेगमेंट ई ए इज कॉन्गरुएंट टू सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ई ए इज कॉन्गरुएंट टू सेगमेंट ए बी, ये चीज प्रूफ करने का है। ठीक है, यहां पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, सेगमेंट इसी बनाएंगे, सी डी बनाएंगे और ए डी बनाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट ईडी, ड्रॉ सेगमेंट ईडी एंड सेगमेंट एडी, सेगमेंट ईडी और सेगमेंट एडी। ठीक है, ये आप ईडी बना देंगे और ये आप एडी भी बना देंगे। ठीक है, ये दो कंस्ट्रक्शन आपको करने का है। क्लियर, फाइन, ओके। नाउ प्रूफ, ई पहला वाला है पॉइंट्स, पॉइंट्स ई सी एंड डी आर कोलिनियर, दैट इज ई सी डी। क्यों ई सी डी कोलिनियर है? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। Okay, in touching circles, the point of contact and the centers of the two circles are collinear. तो यहाँ पे आएगा आपका theorem of touching circles. देखो ये आपको दिख रहा है कि एक line है, पर आपको proof करके बताना है. You cannot assume it. तो इसके लिए आपको बताना है कि A, C, D एक line में है. Clear है? Fine. ये पार्ट वन हो गया। अब आपको दूसरा क्या दिख रहा है, एक एक स्टेप में मैं आपको ये थोड़े कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम एक एक सम, सेगमेंट डीई, सेगमेंट डीई आपको डायमीटर दिख रहा है, इज दी डायमीटर, एक्चुअली ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जुड़ गया है और ये पास हो रहा है, तो यहां पे आप देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर सेगमेंट डीई इज दी डायमीटर, सेगमेंट डी आपका डायमीटर होगा। जब ये डायमीटर हो गया तो ये एंगल जो है छोटे सर्कल में एंगल इंस्क्राइब जो है वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब है, देयरफॉर एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। ओके, देयरफॉर ओके एंगल ए भी 90 डिग्री हो गया ना, देयरफॉर एडी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ईबी, देयरफॉर एडी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ईबी, एडी परपेंडिकुलर हो गया। ओके, आप लिख दो, यहां पे लिख दिया ना, देयरफॉर इन द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल ईबी इज द कॉर्ड, ईबी इज द कॉर्ड एंड ईबी एडी, एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू ईबी from 1, AD is perpendicular to EB. Now आपने एक property पढ़ा था, perpendicular from the center to the chord, bisect the chord. Okay, therefore
ई ए इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ठीक है. देयरफॉर सेगमेंट ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी. एज सिंपल एज दैट, एज शॉर्ट एज दैट. एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखता है, पर एक कंस्ट्रक्शन बना के आपने उसको बहुत इजी कर दिया. ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, सारी प्रॉपर्टीज इसमें एप्लीकेबल होती है, तो ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. क्लियर है? नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. नो आई डोंट नो वो एक्टिविटी को क्यों इतना टफ किया गया है. मेरे को टाइम मिलेगा, एडजस्ट होगा, तो मैं इसको दूसरा मेथड बता दूंगा जो एकदम इजी है, बट बिकॉज इट हैज बीन डन विद एक्टिविटी मेथड, तो हम उसको एक्टिविटी मेथड से करेंगे. इन द फिगर सेगमेंट ए बी, इन द फिगर सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी. ये बाइसेक्टर है, bisector of angle ACB intersect the circle at point D. Prove that segment AD is congruent to segment BD. मतलब आपका ये कहीं पे ये दो segment AD is congruent to segment BD. एक दो तीन step में हो जाता है, पर उसको थोड़ा आपको complicated तरीके से दिया है, तो मैं उसी तरीके से करने की कोशिश करूँगा. Complete the following proof by filling in blanks. आपको दिया है ड्रॉ सेगमेंट ओडी, आपने बना दिया. ठीक है, ओडी आपने बना दिया. एंगल एसीबी पहले दिया हुआ है, एंगल एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों एंगल एसीबी आपका 90 डिग्री है? एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल वहां पे लिखा हुआ है, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर. ठीक है, ये आपका पहला पार्ट था. देन यू हैव एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी इज इक्वल टू, आपको पूछा है एंगल डीसीबी. ये पूरा एंगल एसीबी 90 डिग्रीज है, ये पूरा एंगल एसीबी 90 डिग्रीज है, ये बाइसेक्टर है, तो दो इक्वल एंगल बनेंगे. ये एसीबी 90 डिग्रीज है, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, तो डीसीबी आपका 45 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, डीसीबी आपका 45 डिग्री हो जाएगा. रीजन क्या दिया? सीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, सीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी. ठीक है, देन यू हैव मेजर आर डीबी. कौन सा एंगल लिया था आपने? ये 45 डीसीबी, ये DCB आपका 45 दिया था. ठीक है, तो अभी कौन सा पूछा है? आर आर मेजर आर डीबी, मेजर आर डीबी, मेजर आर डीबी ये. ओके, ये 45 है, इसका डबल हो जाएगा इंसिडेंट एंगल थ्योरम, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा. ओके, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा. इंस्क्राइब एंगल थ्योरम आना चाहिए, वो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, एंगल डीओबी का मेजर आपको, हाँ एंगल डीओबी, अभी आपका ये 45 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका सेंट्रल एंगल है ना, डी ओ बी आपका सेंट्रल एंगल है. 45 डिग्रीज ये था, तो आर आपका 90 डिग्रीज हो गया, तो आपका सेंट्रल एंगल 90 डिग्रीज हो जाएगा. एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू
90 डिग्री डेफिनेशन ऑफ द माइनर आर्क, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क की, उधर माइनर हम लोग भूल गए हैं, माइनर आर्क, ओके माइनर आर्क, ये हो गया एंगल डीओबी, देयरफॉर सेगमेंट डीओबी हो गया, देयरफॉर सेगमेंट, देयरफॉर लिखा हुआ है नहीं, सेगमेंट ओए इज इक्वल टू सेगमेंट ओबी, सेगमेंट ओए इज कॉन्गुएंट टू सेगमेंट ओबी, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल होगा, ओके ये आएगा आपका, ये सेगमेंट ओए इज इक्वल टू सेगमेंट ओबी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ये हो गया आपका। Therefore line OD जो है AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई, ये 90 डिग्री हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर होता था, therefore line OD is the perpendicular bisector of segment AB, perpendicular bisector of segment AB, ठीक है, from 1 and 2, आपका 1 कहाँ लिखे थे, यहाँ पे angle DOB 90 डिग्री था, और ये 2 लिया था, तो यहाँ पे from 1 and 2, ठीक है, जब ये मैंने अभी बताया था आपको एक प्रॉपर्टी की, ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट इट बाइसेक्ट्स, ठीक है, तो देयरफॉर डी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, देयरफॉर सेगमेंट एडी इज कॉन्गुएंट टू सेगमेंट बीडी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, ओके आपको लिखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, वहां पे अभी कोई वो नहीं दिया हुआ है आपको, वहां पे ब्लैंक नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम ये आपका एक्टिविटी बेस्ड था, ठीक है, मैं आपसे 2-3 मिनट लेके आपको ये सब वापस थोड़ा समझा देता हूँ, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड था, गो थ्रू इट, फाइन मेक इट परफेक्ट, ये किसान आपको अगर एक्टिविटी बेस में नहीं दिया गया है तो आप कैसे करोगे, मेरे को पहले तो इसकी जरूरत नहीं है, ओके इसकी जरूरत नहीं है, फाइन आपको फॉर आपको वो 90 डिग्री प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, क्लियर है, नाउ दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, तो आप प्रूफ करोगे, नाउ रे सी डी इज द bisector of angle ACB, ray CD is the bisector of angle ACB, therefore angle ACD is equal to angle BCD, okay, वहाँ पे already आपने reason दे दिया ऊपर, तो नीचे reason की देने की जरूरत नहीं, ये दोनों angle आपके congruent हो गए, fine, ओके नाउ एक इनस्क्राइब एंगल ये है, एक इनस्क्राइब एंगल ये है आर ए डी इज इक्वल टू हाफ, सॉरी मेजर आर ए डी इज इक्वल टू हाफ मेजर एंगल ए सी डी, आर ए डी इज इक्वल टू हाफ मेजर एंगल ए सी डी एंड मेजर आर बी डी BD is equal to half major angle BCD, okay? ये आपका 2 हो गया, fine, ये दोनों एंगल congruent थे, half major arc, sorry, major arc, half major arc BD is equal to major angle BCD
हाफ मेजर आर के डी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए सी डी। आपको बता दूं मैं कि इनसाइड एंगल थ्योरम क्या पढ़ाया था, दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर, इफ दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर इट इंटरसेप्ट्स। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हाफ मेजर आर ए डी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर बी डी। ओके, हाफ ऑफ निकल जाएगा, देयरफॉर आर ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर बी डी। ये दोनों आर कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब दोनों आर कॉन्ग्रुएंट हो गए देयरफॉर कॉल्ड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉल्ड बी डी। रीजन, ओके, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डी। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, कोई एंगल निकालने की जरूरत नहीं थी, कोई सपोर्टिव की जरूरत नहीं थी। तो अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड नहीं दिया है, अगर एक्टिविटी बेस्ड दिया है तो आपको ये बता दिया मैंने इस हिसाब से करना है, एक्टिविटी बेस्ड नहीं दिया है तो ये सिंपल मेथड से करना है। दिस इज अगेन योर 3 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 19। This is the diagram given to you. In the figure, two circles intersect at point M and N. ये intersecting circle है, ये point M और N पे intersect कर रहे हैं. Seconds drawn through M and N. Seconds, एक second ये बनाया गया है, एक second ये बनाया गया है. Intersect the circles at point R, point S, point P and point Q पे intersect कर रहे हैं. आपको प्रूफ क्या करने का है, प्रूफ दैट एस क्यू इज पैरेलल टू आर पी, इज पैरेलल टू आर पी, आपको प्रूफ करने का है। सेगमेंट एस क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट आर पी, सेगमेंट एस क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट आर पी। ठीक है ना, आपको कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिख रहा होगा कैसे प्रूफ करेंगे, बट इट इज वेरी वेरी इजी। आपको सारे रूल्स बता दिए जाते हैं, ज्योमेट्री के रूल्स बता दिए। अगर ज्योमेट्री को आप गेम की तरह लो ना, अगर समझो कि हर एक क्या है गेम की तरह, तो इट विल बिकम वेरी वेरी इजी टू यू। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट एम एन, construction draw segment MN, हमने segment MN draw कर दिया। ठीक है ना, देख लो इसको, बहुत इजी है, 2 से 3-4 स्टेप में है। यहाँ पे आप प्रूफ, छोटी सी जगह है पर मैं उसमें लिखने की कोशिश करूंगा प्रूफ। Now, यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सर्कल है, आपके बड़ा सर्कल है, तो आपके सामने आपके लेफ्ट में एक छोटा सर्कल है, तो इन दी स्मॉलर सर्कल लिख दो, इन दी स्मॉलर सर्कल। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल आर एम एन पी, आर एम एन पी इज साइक्लिक, मतलब क्या है कि वो पूरे पूरे उसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट है। ये साइक्लिक हो गया, मतलब क्वाड्रेटल इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, ही तो साइक्लिक क्वाड्रेटल। प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रेटल की, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, फाइन। देयरफॉर एंगल आर, एंगल पी आर एम प्लस एंगल
पी एन एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी आर एम प्लस एंगल पी एन एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, फाइन। नाउ ये पार्ट वन हो गया, नाउ ध्यान दो यहां पे निकालने का पी आर एंगल एम एन क्यू, एंगल एम एन क्यू इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर एन एम पी, एंगल एम एन क्यू, ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर एंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम इज इक्वल टू एंगल एम एन क्यू, एंगल एम एन क्यू एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, फाइन। थोड़ा सा ब्लेंडी हो गया, मुझे थोड़ा अलग तरीके से लिखने का था, आई जस्ट गो थ्रू दैट अगेन, आई एक्सप्लेन टू यू। क्वाड्रिलेटरल आर एम एन पी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट इज वन थिंग, देयरफॉर एंगल एम एन क्यू, एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम, एंगल एम एन क्यू एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, आपने स्टडी किया था एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेट, ये आपका वन हो गया, ठीक है। नाउ इन दी लार्जेस्ट, ये आपका वन हो गया, नाउ इन दी लार्जेस्ट सर्कल क्वाड्रिलेटरल एम एस क्यू एन, एम एस क्यू एन इज साइक्लिक, इन दी लार्जेस्ट सर्कल क्वाड्रिलेटरल एम एस क्यू एन इज साइक्लिक, ठीक है, देयरफॉर एंगल एम एस क्यू प्लस एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एम एस क्यू एन, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल जो है टोटल 180 डिग्री होंगे, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका टू हो गया, ठीक है। Therefore from 1 and 2, therefore from 1 and 2, आप ध्यान दो यहां पे MSQ plus MNQ 180 है, पर MNQ क्या है आपका PRM है, MNQ क्या है आपका PRM है, एंगल PRM, सॉरी एंगल MSQ प्लस एंगल एम एन क्यू, एंगल एम एन क्यू जो है एंगल पी आर एम के बराबर है, एंगल एम एन क्यू पी आर एम के बराबर है, प्लस एंगल पी आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एम एस क्यू ये वाला एंगल और एंगल पी आर एम ये वाला एंगल 180 डिग्री है, ठीक है, देयरफॉर, ओके, देयरफॉर
सेगमेंट आर पी इज पैरेलल टू सेगमेंट आर क्यू, क्योंकि ये दोनों का टोटल 180 डिग्री है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे? इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इंटीरियर एंगल टेस्ट, देयरफॉर सेगमेंट आर पी सेगमेंट एस क्यू सेगमेंट आर पी इज कॉमन टू सेगमेंट एस क्यू, सेगमेंट आर पी इज कॉमन टू सेगमेंट एस क्यू, ओके सेगमेंट एस क्यू इज कॉमन टू सेगमेंट आर पी, क्लियर है? ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया साइक्लिक क्वाड्रेटर का, ये दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, दिस प्लस ये इसके बराबर है ना, तो ये दोनों का टोटल 180 डिग्री हो गया, तो ये एक दूसरे से पैरेलल हो गए इंटीरियर एंगल टेस्ट से, क्लियर है? ओके थैंक यू।